हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत ही संख्या में लोग आए, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ऐसा है कि आपको पता ही है कि वेस्ट बंगाल में क्या होता है ये, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि बंगाली समुदाय का एक बहुत बड़ा पूजा होती है ये, और वहाँ पे छुट्टियाँ बहुत मिलती हैं, जो भी जिस जहाँ पे भी कार्यरत है कम से कम 15-20 दिन की छुट्टियाँ मिल जाती है, वो सारे ही निकल पड़ते हैं जहाँ जहाँ उनको जाना पड़ता है, जहाँ जहाँ सुविधा होती है। और तो क्योंकि शिमला एक ऐसी जगह है, यहाँ आने जाने का साधन बड़ा अच्छा है, और बहुत भली भांति लोग यहाँ पहुँच जाते हैं और पूरा इंजॉय करते हैं। और मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक पूरा शहर इस वक्त हमारे समुदाय के लोग भरे पड़े हैं, और मैं सवेरे से ही देख रहा हूँ, यहाँ भी आ रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, और पूरा इसका एंजॉय कर रहे हैं शिमला का। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि सबको आशीर्वाद दे, सब सबको सुख शांति मिले और सब सही रहें, ठीक रहें। मेरा नाम नवीन कुमार बैनर्जी, और मैं इस समय शिमला कालीबाड़ी का प्रेसिडेंट कम ट्रस्टी हूँ। मैं बहुत दिनों से कालीबाड़ी के साथ मैं जो लगा साथ हूँ इनके, तो इन दिनों नवरात्र के साथ दुर्गा पूजा चल रही है यहाँ पे, ऊपर हमारे हॉल है वहाँ पे माँ दुर्गा की प्रतिमा रखी, वहाँ पूजन हो रहा है, साथ में हमारे माँ काली का मंदिर है। आज सवेरे से ही काफ़ी भगत जन आ रहे हैं, पर्यटक भी आ रहे हैं, हमारे जन समुदाय के लोग भी आ रहे हैं माँ के दर्शन करने, आशीर्वाद लेने। तो इस बार पूजा में एक दिन शॉर्ट है, तो आज का जो कार्यक्रम ऐसा है, सवेरे 6:30 के बजे के अंदर अंदर अष्टमी संधि पूजा सब समाप्त हो गई, उसके बाद नवमी पूजन लग गया। नवमी पूजन का भी पूजन वगैरह हो गया है, माँ का भोग भी हो गया है, अब ऊपर जो है माँ की प्रतिमा के सामने हम हवन चल रहा है, जो अंतिम प्रतिक्रिया होती है पूजन। उसके बाद कल माँ की विदाई है, विसर्जन सेरेमनी हम बोलते हैं इसको, यहाँ पे आईटीबीपी कैंपस है तारा देवी के पास, वहाँ पे हम प्रतिमा को ले जाते हैं, वहाँ से माँ का विसर्जन होता है। उसका यहाँ से प्रस्थान का समय 1:30 बजे के बाद है, 1:30 बजे के बाद यहाँ से हम माँ की मूर्ति तथा अन्य मूर्तियों को लेकर दुर्गा माँ की वहाँ पे जाएंगे, वहाँ उनका माँ का विसर्जन होगा, और उसके साथ ही पूजा का जो आयोजन है समाप्त हो जाएगा। संध्या 7:30 बजे यहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं, फिर शांति जल जहाँ माँ का विसर्जन करते हैं वहाँ से जल लाते हैं, जो सबको हमारे पंडित जी सबको आशीर्वाद दे के उनका टीका वगैरह पहना के करते हैं प्रोग्राम, 7:30 बजे की संध्या के बाद आगामी कल हो गई। यही हमारा प्रोग्राम था, और इस बार काफ़ी टूरिस्ट आए हैं यहाँ पे, क्योंकि शिमला एक पर्यटक स्थान है, हमारी समुदाय के लोग काफ़ी घूमने फिरने के शौकीन भी है, जाते भी हैं, और ये हिल स्टेशन है, मौसम भी माँ की दया से बहुत ही सुहावना चल रहा है, तो दे आर ऑल्सो ऑल इंजॉइंग, पूजा का लाभ भी उठा रहे हैं, शिमला का भी देखने का अपना पूरा कर रहे हैं, जो शौक होते हैं उनका ये चल रहा है। बाहर से सर काफ़ी